हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है ट्रोपेक्स 19 को लेके हैं। आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, सो दो स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक एनुअल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि ऑल थ्री सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। अब आप एक चीज़ देखना, दोनों स्टेटमेंट्स में से दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्रावर्स में, तो आप इसका मतलब या तो दोनों ही गलत हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक है वो सही है। तो अब एक बार आप देख के थोड़ा गौर करिए ट्रोपेक एक्सरसाइज को लेके। देखो, यह अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी कि यह इंडिया की जो तीनों सर्विसेज है ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों के मतलब आपस में जॉइंट एक्सरसाइज है, इन तीनों का संयुक्त अभ्यास है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रोपेक्स 2019 है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेज है, वो आपस में पार्टिसिपेट करके आयोजित इसको करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC। अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था ICC, आपको बताया। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसे रोम स्टेचू के तहत इस्टेब्लिश है वो किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर है वो हेग में, नीदरलैंड में है जो कि। और थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया है वो ICC का एक पार्टी है, इंडिया ने ICC को साइन किया हुआ है। अब हमें पूछा है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दो कोर्ट हैं, एक तो है ICC और एक है ICJ। ICC तो है उसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ICJ का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया है वो ICJ का मेंबर है, ना कि ICC का, ये आपको ध्यान में रखना है। और ICJ है वो UN की कोर्ट भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों का हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, बट डिफरेंस ध्यान रखना, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो UN की कोर्ट है, इंडिया इसका मेंबर है, ICC का इंडिया कोई मेंबर नहीं है, इंडिया का कोई भी लेन देना इससे नहीं है, और इसको रोम स्टेचू के तहत स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस वो आपको ध्यान में रखना है। अभी ICJ है वो काफ़ी न्यूज़ में, इसमें भी था कुछ टाइम पहले भी, कि इंडिया के जो जज थे पहले दलवीर भंडारी, वो इसमें इलेक्ट है, वो दोबारा से हुए थे, तब से सुर्खियों में रहा है बार बार। तो हमें इन दोनों के बारे में डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि ICC और ICJ में डिफरेंस क्या है। ICC इसमें मेनली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सुनवाई की जाते हैं, और ICJ में आपस में कंट्रीज के बीच में कोई भी किसी भी तरह के केसेस हो, नॉर्मली चाहे ह्यूमैनिटी की बात हो या फिर और तरह केसेस, वो सारे केस डिस्कस या सोल्व किए जाते हैं। ये UN का कोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन आता है। पहला ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, दूसरा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा है आर्म फोर्स, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। देखो, लोकपाल है इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो आर्म फोर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। मतलब आर्मी की जो फोर्सेज हो गई है, नेवी, एयरफोर्स वगैरह हो गई, इसकी ज्यूरिडिक्शन लोकपाल के अंडर नहीं है, तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी प्रधानमंत्री भी लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन में आएंगे, इसके साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी ज्यूरिडिक्शन में आएंगे, और इसी के साथ ही हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऑफिसर्स होंगे यानी IAS वगैरह, IPS वगैरह, वो सब इस ज्यूरिडिक्शन में शामिल हैं। तो इसका आंसर हम देखा जाए तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब आंसर हो जाएगा इसका बी, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट स्ट्रीम को लेके। देखो, प्रोजेक्ट स्टीम है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, जो कि एक क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट है। किससे है रिलेटेड है? देखो, क्लाउड गेमिंग प्रोजेक्ट है, ये है गूगल का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान में आपको रखना है, बस इतना इफेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के नज़रिए से, कि प्रोजेक्ट स्टीम है वो गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की स्ट्रीमिंग है, वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है जननी शिशु सुरक्षा कल्याण योजना को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये जो स्कीम है वो सभी प्रेग्नेंट या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में जो हेल्थ सर्विस है उन डिलीवर करने के लिए है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है घर से गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी तक। और अब हमें यहाँ पे पूछा कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है।
तो देखो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। जो यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा कल्याण है, ये हमारे देश में मेटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसके साथ ही हम बात करें चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, इन दोनों को ही कम करने के लिए इसका फोकस ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें, और इसी के साथ ही अगर सी सेक्शन डिलीवरी वगैरह भी होती है तो उसमें भी उनको कोई चार्जेस देना नहीं होना होता, सारा पैसा गवर्नमेंट वहन है वो करती है। और हॉस्पिटल से घर तक का जो भी खर्चा है एम्बुलेंस वगैरह का, वो सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट इसमें वहन करती है। तो वैसे इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट हमें यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को लेके हैं। गवर्नमेंट ने देखो अभी नई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लॉन्च की थी, और उसी को हमने 2-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था। इसमें पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अंडर द पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी में ओनली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ना, जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम है, उन्हीं को रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब उन्हीं को रिन्यूएबल एनर्जी की तरह ट्रीट है वो किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि लार्ज हाइड्रो जो प्रोजेक्ट हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी से हटा दिया गया है, और उसी को सेपरेट एनर्जी, सॉरी सेपरेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे अलग से शो है वो किया गया है। अब पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पर भी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने ये चीज़ कुछ टाइम पहले डिस्कस की थी कि पहले तक तो ये प्रावधान था कि 25 मेगावाट जो तक के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे, बट अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि 25 मेगावाट से जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं 75 मेगावाट तक के, वो भी एक्चुअली इसमें शामिल होंगे, जो कि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो भी अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। तो मतलब पहला तो गलत होगा कि इसने ओनली बोल दिया, और ये मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं या फिर जो 25 मेगावाट से बड़े इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट किया गया है, ना कि सेपरेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट जो हमारी आज की न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है ना, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट को लेके, और यूएन से बिलोंग करती है, तो नाम से ही पता चल रहा है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंज हैं जो कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, उन सबसे यह डील है वो करती है। और यह बाई एनुअली है वो मिलती मिलती है, मतलब बाई एनुअली इसकी मीटिंग होती है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज पे मीटिंग होती है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है उनको भी डेवलप किया जाता है इसके द्वारा। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। अभी तक इसके 58 मेंबर स्टेट्स वगैरह ये पूरा बेस है। कंटेक्स्ट देखो यह है कि फोर्थ इन्वायरमेंट असेंबली है वो अभी नरोबी में आयोजित है, वो की गई थी। देखो बाई एनुअली का मतलब क्या होता है, 2 साल में 1 बार आयोजित है, मतलब 2 साल में 1 बार इसकी मीटिंग है वो आयोजित की जाती है। जो इस बार इसका चौथा एडिशन हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे है, केन्या में। और इसकी थीम है वो इस बार की है इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये रही है इस बार की थीम। तो देख लिया मैंने, यूएन की हाईएस्ट इन्वायरमेंटल बॉडी है। अब थोड़े कुछ और फैक्ट देखते हैं इसके। देखो यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट असेंबली है ना, इसको 2012 में बनाया गया था। 2012 में क्या हुआ था इन्वायरमेंट को लेके, 2012 में इन्वायरमेंट को लेके आपको बताया कि रियो सबमिट हुआ था ना जो 1992 में, उसके 20 साल कंप्लीट हो गए, मतलब रियो+20 था। तो उस दौरान काफ़ी सारी डिक्लेरेशन वगैरह आयोजित की गई थी, काफ़ी सारी डिक्लेरेशन चीज़ें भी सामने आई थी। मतलब आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम रियो+20 जो 1992 में हुई थी, उसी के दौरान यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है वो बनाई गई थी। तो इसके बाद में इसका पहला सेशन है वो 2012 के बाद में 2014 में हो गया, बाद में 16 में हो गया, और इस बार ये 18 में होना था, बट ये मतलब थोड़ा भी इन्होंने 19 में किया। तो ये कुछ फैक्ट थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और तो इन्वायरमेंट की जो थर्ड इन्वायरमेंट असेंबली है वो भी नैरोबी में हुई थी 2017 में। तो ये एक ध्यान रखना, लास्ट बार की थीम थी वो थी टुवर्ड्स ए पोल्यूशन फ्री प्लेनेट। तो ये आपको कुछ बेसिक्स जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने, यूपीएससी इसमें पूछ लेती है। अभी एक छोटा सा कंटेक्स्ट और है इसी के साथ। देखो जो इस बार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की जो मीटिंग हुई है नैरोबी में, उसमें इंपॉर्टेंटली 2 रिजोल्यूशन है वो पास हुए थे, और उन दोनों ही रिजोल्यूशन को इंडिया ने अडोप्ट है वो कर लिया है, इंडिया ने उनको रेक्टिफाई कर लिया है। एक रिजोल्यूशन था वो तो था यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स को,
कि जो प्लास्टिक आइटम जो एक ही बार यूज किए जाते हैं उन प्लास्टिक को बैन करने के लिए उनको कम करना है, और दूसरा था सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, मतलब कि जो नाइट्रोजन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसको मैनेज करने के लिए। और इंडिया ने इन दोनों ही जो रिजोल्यूशन हैं इनको अडोप्ट है वो यहाँ पे किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट की अवमानना। अवमानना मतलब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो भी आदेश दिया है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। देखो कोर्ट का आदेश का उल्लंघन दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप उसकी कही हुई बात है वो नहीं मान रहे, उससे कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है वो, मतलब प्लास्टिक का सिंगल यूज़ भी नहीं करना है, उसके बाद भी आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हो, आप वापस मतलब कोर्ट की बातें हैं उनको उल्लंघन कर रहे हो, जो भी डायरेक्शन दिया उन्होंने कि भाई आप है वो 10 तारीख तक कोर्ट में प्रेजेंट हो और फिर भी आप नहीं जा रहे हो, आप रिट वगैरह है उसके थ्रू मतलब कहीं ना कोई ऐसी मैकेनिज्म कि आप बिना कुछ बहुत बड़ा नुकसान कि आप जो उसका आदेश है उसका उल्लंघन कर रहे हो, वो तो जाता है सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि जैसे आपको कह दिया कि हाँ भाई ठीक है आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना और फिर आप तोड़फोड़ करने लग गए हो, आप मारपीट कर रहे हो किसी के साथ, या फिर आप कुछ इस तरीके की गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है कोर्ट की वो नीचे डाउन हो रही है, तो वो सारे रीजन हो जाएंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल का मतलब ऐसे देखना कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसकी हेल्प से आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो, जैसे कि किसी आदमी कोई आतंकवादी है उसको जेल लेके मतलब कोर्ट में पेश करना है और उसी दौरान अगर आप उसको बचा रहे हो टेररिस्ट को कुछ ऐसा काम करो तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। जैसे आतंकवादी की जगह आप किसी आम पर्सन को भी ले सकते हो कि आम पर्सन को कोर्ट में लेके जाना है, अगर आप उसके कोर्ट के कार्य में बाधा डाल रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, पुलिस वालों पे मतलब एक तरीके से पत्थर वगैरह फेंक रहे हो, तो वो सारे काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट में शामिल हो जाते हैं। और ये जो पावर है ये हमारे देश में ध्यान रखना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है वो संविधान के तहत दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को, ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सजा का प्रावधान कर सकते हैं, सिविल कंटेम्प्ट में और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215। आर्टिकल 129 किसके लिए हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए। और आर्टिकल 215 किसके लिए हो जाएगा? हाई कोर्ट के लिए। ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर उसमें कोई भी कोर्ट की अवमानना हुई या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ, तो क्या उसकी जो भी उसका मतलब इश्यू है तो कौन उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज है वो लगेगा? देखो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये पावर दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो जिस भी जैसे मान लो कि यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू है या कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा सकता है कि भाई उस पर्सन पे कि भाई आपने कोर्ट की अवमानना उल्लंघन किया है तो आपको सजा मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दो तरह की होती हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल का मतलब कि जो भी डायरेक्शन है, ऑर्डर है, रिट है वो आप नहीं मान रहे हो, और क्रिमिनल का मतलब ये होगा कि आपने मतलब एक तरीके से शायद मिसबिहेव किया, आपने तोड़फोड़ किया, बाधा पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, तो वो हो जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे योनो केस को लेके। योनो की फुल फॉर्म है यहाँ पे यू ओनली नीड वन केस। देखो योनो जो एप्लीकेशन है वो SBI का एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके तहत बिना ATM कार्ड के भी आप ATM से पैसे विड्रॉल है वो कर सकते हो। होगा क्या इसमें प्रोसीजर ये है कि कस्टमर को SBI का जो योनो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना होगा, फिर इस एप्लीकेशन की हेल्प से उन्हें एक OTP जनरेट करना होगा और वो OTP उन्हें जो SBI के ATM है या फिर जो योनो केस पॉइंट है जगह जगह पे ATM मशीन लग रही है SBI की, वहाँ पर जाके वो 6 डिजिट का जो OTP है वो पुट करना होगा और फिर उसकी वजह से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। ये इसमें मैकेनिज्म है वो रखा गया है, ध्यान रखना योनो एप्लीकेशन किसका है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट 75i को लेके। देखो प्रोजेक्ट 75i है वो आपको बता दूं मैं, ये एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि फ्रांस के साथ मिलके स्टार्ट किया गया था। और प्रोजेक्ट 75 का मतलब मोटो ये था कि हमारे देश में 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, पनडुब्बियां वो बनाई जाएंगी। तो उन पनडुब्बियों में से देखो 4 वैसे बन चुकी हैं बट ऑफिशियली अभी 2 को ही एक नेवी में शामिल किया गया है, 2 अभी भी पेंडिंग है और 2 अभी तक बनी ही नहीं है। टोटल 4 बन चुकी हैं ध्यान रखना, उनमें से 2 को तो अभी एक्टिव कर रखा गया, मतलब 2 को तो एक तरीके से उनके सारे ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, 2 को अभी एक्टिव नहीं किया गया है, बस उनके ट्रायल कंप्लीट हुए हैं और 2 हैं वो अभी तक बनी नहीं है। तो उनके नाम क्या क्या है वो हम देख लेते हैं और कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट तो वैसे यह है
कि जो प्रोजेक्ट 75 आई के थे, जो सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन थी, इसका नाम था यहाँ पे खांडेरी, उसको अभी शामिल नेवी में किया जा रहा है। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन कौन सी है? सबसे पहली थी, उसका नाम था कलवारिया, ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉर्पियन क्लास की सबसे पहली पनडुब्बी जो कि नेवी में शामिल हो चुकी है, उसका नाम है कलवारी। सेकेंड है वो है खांदेरी, जिसे भी अब शामिल कर लिया गया है। थर्ड पनडुब्बी है, इसका नाम है करंज, और फोर्थ का नाम है वेला। इन दोनों के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक इन्हें नेवी में इंक्लूड है वो नहीं किया गया नेवी के बेड़े में। और पांचवी और छठी का नाम है वागीर, और यहाँ पे एक है वांगसी वास्की, सॉरी, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये टोटल 6 पनडुब्बी है वो बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 आई के तहत। कौन बना रहा है इनको? इंडियन गवर्नमेंट की, जो आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट प्लस फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा ये MOU है वो साइन किया गया था। वैसे हम बात करें तो इंडिया में मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, और इसी के साथ ही नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस का, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2005 से एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था, तो उसके तहत बनाई जा रही है। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेके। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी हो जो कि अपने लिए एसेट्स का निर्माण कर रही हो, जैसे कि उसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या फिर कोई उसे बिल्डिंग खरीदनी है, या फिर इसी के साथ ही कोई एक तरह से इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदनी हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई हार्डवेयर खरीदना हो, तो वो सारी मतलब फिजिकल, ये ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल एसेट्स हो, या एक तरह से हम बोलेंगे भौतिक परिसंपत्ति उसे खरीदनी हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में शामिल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माल ढुलाई के लिए वाहन खरीद रहा हो, या फिर कोई कंप्यूटर खरीदा हो उन्होंने, या फिर उन्होंने नया भवन बनाया हो, नई बिल्डिंग बनाई है, नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके हो, तो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में शामिल होते हैं। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।